देखिए इस वक्त मैं बागेश्वर धाम में हूँ और भक्तों की भीड़ देखिए कितना, भक्तों का तांता लगा हुआ है, एकदम बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ बागेश्वर धाम सरकार का एकदम दर्शन करने के लिए। इधर भी देखिए आप पूरा ये यहाँ पे बागेश्वर धाम सरकार का पूजा करने के लिए पूरा भीड़ लगा हुआ है। यहाँ पे एक नारियल बांध के ये है, यहाँ पे भी विधान है पूजा करने का, यहाँ पे एक नारियल आप बांध सकते हैं। देखिए किस तरह जो है नारियल बांधा हुआ है, प्रत्येक आपको हर जगह नारियल बांधा हुआ दिखेगा, हर जगह आप देख सकते हैं। ये है बागेश्वर धाम सरकार का, ये भीड़ देखिए यहाँ पे पूरा बागेश्वर धाम सरकार का ये मंदिर है। यहाँ पे मैं धीरे धीरे आपको ये आगे दिखाना चाहता हूँ। यहाँ देखिए इस तरह से ये भीड़ काफी, बागेश्वर धाम सरकार की भीड़, इस दरबार में सभी तरह के लोग यहाँ पे आते जाते हैं। देखिए कितनी भीड़ है, मैं आपको कैमरे के माध्यम से दिखा रहा हूँ। ये बागेश्वर धाम सरकार की है भीड़, मैं इस समय यहीं मौजूद हूँ बागेश्वर धाम सरकार में। ये बागेश्वर धाम सरकार का मेन द्वार है जिससे लोग आते जाते हैं, जिससे लोग एंट्री करते हैं। हर जगह आपको दिख सकता है, पूरा बहुत बड़ा मंदिर है। यहाँ पे लाखों की संख्या में लगातार रोज की संख्या में लोग यहाँ श्रद्धालु पूजा करने के लिए आते हैं। आप देख सकते हैं, मैं आपको कैमरे के माध्यम से दिखा रहा हूँ बागेश्वर धाम सरकार की। आप यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, पूज्य गुरुदेव का नारा, मानव धर्म हमारा बागेश्वर धाम सहारा। हर एक जगह पे नारा, देखिए मैं मोबाइल वीडियो के माध्यम से दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे नारियल बांधने की प्रक्रिया है, आप सफ़ेद कपड़े में, लाल कपड़े में, काले कपड़े में नारियल बांध के यहाँ पे मनोकामना पूर्ण किया जाता है बागेश्वर धाम सरकार में। मैं हर जगह की तस्वीर नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि बहुत जगह मोबाइल चलाना अलाउ नहीं है, इसलिए मैं जहाँ जहाँ अलाउ है मोबाइल दिखाना मैं आपको कैमरे के माध्यम से दिखा रहा हूँ। हर जगह देखिए नारियल बांधने की प्रक्रिया, जहाँ भी देखेंगे आप नारियल ही बंधा मिलेगा आपको, और यहाँ पे यही प्रक्रिया है पूजा करने की। हर जगह नारियल बांध के यहाँ पे पूजा किया जाता है, आपको जगह जगह दिखेगा, हर जगह इसमें यही दिखेगा। यह है बाबा का दरबार हॉल, देखिए ये बाबा का दरबार स्थल, वहाँ पे बाबा बैठते हैं आगे में, इधर आम लोगों को बैठने की व्यवस्था है। देखिए पीछे में पूरा आम लोगों की बैठने की व्यवस्था है। यहाँ से बहुत दूर तक दरबार यहाँ पे लगाया जाता है बाबा का, यहाँ पे लाइट पंखा सारा व्यवस्था। देखिए अभी पूरा काम फाइनल नहीं हुआ है, ये दरबार का काम अभी लगातार प्रगति पे है, चल ही रहा है लगातार। बाबा का ये दरबार है, मैं आपको कैमरे के माध्यम से दिखा रहा हूँ। ये बाबा के दरबार में अभी बाबा हैं नहीं, बाबा कहीं बाहर गए हुए हैं, लेकिन उनका ये दरबार देख लीजिए बहुत ही सुसज्जित तरीके से, सारा सिस्टमेटिक ढंग से दरबार बनाया गया है। चारों ओर पंखा लाइट लाइन सारा व्यवस्था आप देख सकते हैं, सारा व्यवस्था है।
देखिए, ये है बाबा का भंडारा। यहाँ पे आम लोगों के लिए जो है भंडारे का भी व्यवस्था है। जो भी लोग यहाँ पे आते हैं, जितने लोग आ जाएं, सारे लोगों के लिए यहाँ पे भंडारा का व्यवस्था है, खाने पीने का व्यवस्था है, रहने का उत्तम व्यवस्था है। देख सकते हैं इस लाइन में जो भी लोग हैं, ये सारे भंडारा के लिए जा रहे हैं। यहाँ पे भंडारा परोसा जा रहा है, देख सकते हैं आप। अभी मैं बागेश्वर धाम में मौजूद हूँ और मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये धीरेन्द्र शास्त्री जी का घर है जो बागेश्वर बाबा के नाम से प्रचलित है, ये उन्हीं का घर है। मैं वहीं पे मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं उनके घर का पूरा दृश्य मैं दिखा रहा हूँ। और छत पे आपको थोड़ा देर में पता चलेगा उसकी माता जी भी हैं, और वो देखिए, ये माता जी हैं उनकी जो पूजा कर रही हैं छत पे। वो माता है, यही है बागेश्वर बाबा की, धीरेन्द्र शास्त्री जी की माँ है जो छत के ऊपर, वो देखिए देखिए वो पूजा कर रही हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ कैमरे के माध्यम से, धीरेन्द्र शास्त्री जी की माँ वही है, देखिए देखिए। वो अंदर चली गई हैं और लोग सब यहाँ पे, सभी श्रद्धालुगण दर्शन के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जी के घर को देख रही हैं, मैं दिखा रहा हूँ कैमरे के माध्यम से, देखिए।